अभी गाइस आप देखोगे आज की वीडियो में मैं आपको प्लैनेट बाय एलएनटी फाइनेंस लोन ऐप में लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। फुल प्रोसेस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बेसिक सी जो डिटेल्स है वो हम क्लियर करेंगे, जिससे कि एप्लीकेशंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, और गाइस कौन कौन से लोन हमें प्रोवाइड करती है, और कुछ अदर डिटेल्स है जो इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशंस है ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन भी प्रोवाइड करती है, बाइक लोन्स भी प्रोवाइड करती है, एंड ईएमआई पेमेंट्स भी आप यहां से कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशंस के बारे में ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स है कि एप्लीकेशंस आपको पर्सनल लोन के साथ अदर लोन अमाउंट भी प्रोवाइड करती है, साथ में एप्लीकेशन जो है ट्रस्टेड है, एनबीएफसी इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्लैनेट बाय एलएनटी फाइनेंस ट्रस्टेड एनबीएफसी एप्लीकेशन से, तो इसमें आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन से आप अगर यहाँ से लोन के लिए ट्राई करोगे और अगर आपके सिबिल स्कोर बढ़िया होते हैं और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल रहोगे तो इजीली आप यहाँ से लोन ले सकते हो। आपको इजीली जो है इस 50,000 से लेके तो 25 लाख तक का लोन अमाउंट इजीली मिल जाएगा, जो कि उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रखा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, तो आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में यहाँ पर प्ले स्टोर पर आके इसका अबाउट दिस ऐप वाला फीचर भी देख सकते हो, तो आपको पूरी प्रोसेस गाइस इजीली समझ में आ जाएगी और पूरी डिटेल्स आप यहां से कवर कर पाओगे। जो इसका टेन्योर है वो 12 मंथ से लेकर तो 60 मंथ तक का टेन्योर इसमें रखा जा सकता है या आपको मिल सकता है। साथ में एनुअल परसेंटेज रेट की अगर आप बात करोगे तो 10.5% से लेके तो 26% तक रह सकता है गाइस। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये आप देख लीजिए। फिलहाल प्रोसेसिंग फीस हम देखते हैं तो 0% से लेकर तो 3% तक आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो हो सकती है। एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रखा है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप जो है गाइस अपने लोन अमाउंट को चेक कर सकते हो कि कितना लोन आपके बैंक में आएगा, कितना आपको टोटल पे करना है, चार्ज कितना लगेगा, सभी की डिटेल्स आपको यहां पर पता चल चुकी होगी। साथ में ईएमआई कितनी बनेगी, डिसबर्स कितना होगा, वो सभी आपको यहां पर पता चल गया होगा जो उन्होंने इजीली मेंशन किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ ये मेन डिटेल्स है जो हमने कवर की है। साथ में एप्लीकेशन में 7 ईजी स्टेप्स में आपको लोन मिल जाएगा, वो कौन कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और ओपन करना है, सभी परमिशंस को एक्सेस देना है, आपको अपनी जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो भी हो। साथ में कुछ पर्सनल डिटेल के साथ आपको जो है अपने एक अकाउंट बना लेना है या एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करना है, साथ में मोबाइल नंबर एंटर करना है, ओटीपी फिलअप करना है। ये कुछ बेसिक सी प्रोसेस होती है गाइस जो हर यूज़र कंप्लीट कर ही लेता है, इसमें किसी भी यूज़र्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही यूज़र्स को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स है। साथ में आपको अकाउंट को लॉगिन करना है और ऑफ़र को जो है गाइस देखना है, अगर ऑफ़र मिलता है तो ईजिली लोन के लिए ट्राई कीजिए। सिंपली आप इसके डाउनलोड्स और रेटिंग को भी देख सकते हो, 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है, 4.4 की रेटिंग है, पॉजिटिव रेटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। सिंपली मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, आप देख सकते हो गाइस एप्लीकेशन जो है हमारी ओपन हो रही है, आपको कुछ ही प्रोसेस करनी है और इजीली आपको लोन मिल जाएगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप करना है, परमिशंस को एक्सेस देना है, तो ये कुछ प्रोसेस जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं गाइस मेन डिटेल्स में, तो ये आपको कंप्लीट करनी है। जस्ट उसके बाद में जब आप मोबाइल नंबर फिलअप करोगे तो ओटीपी जो है वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद में आपको एक पिन क्रिएट करना होगा गाइस 4 डिजिट का, वो पिन जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको पूछेगा, तो वो पिन आपको क्रिएट कर लेना है। अभी मैंने क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी, तो वो पिन हमसे पूछ रहा है, तो वो पिन हम यहाँ से एंटर करेंगे। पिन जैसे ही एंटर कर देंगे, अभी देखोगे तो एक ऑफ़र अवेल बता रहा है ये कुछ करके गाइस, तो इसमें आपको 7.5 लाख तक का या 7 लाख तक का आप यहां से लोन ले सकते हो, 7.5 लाख नहीं दे रखा है, आप इजीली देख सकते हो। साथ में जो 2 व्हीलर लोन है वो भी आपको इंस्टेंटली मिल रहा है, जो उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि राइडिंग अहिड ऑलवेज गेट 2 व्हीलर लोन, तो यहाँ से आप वो लोन भी ले सकते हो। साथ में अदर लोन भी है, जैसे कि काफ़ी यूज़र्स को पर्सनल लोन चाहिए, अगर आप एक 60% है तो पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। और अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, हो सकता है बिजनेस लोन हो और यहां पर आपको इजीली मिल भी जाएगा, बिजनेस लोन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। साथ में माइक्रो लोन भी है, अगर आप रूरल जो बिजनेस है वो फाइनेंस करवाना चाहते हो तो ईजिली लोन ले सकते हो। साथ में जो लोन है वो CA और CS के लिए भी लोन है, और लोन अगेंस्ट डॉक्टर, मतलब अगेंस्ट नहीं गाइस, लोन फॉर डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर लोन है। तो ये कुछ इतने तरह के लोन जो आपको एलएनटी फाइनेंस है वो प्रोवाइड करती है। अभी किस लोन में आपका जो है गाइस इंटरेस्टेड है, किस लोन को आप लेना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। काफ़ी यूजर्स पर्सनल लोन ही लेते हैं, तो आप पर्सनल लोन को भी अप्लाई कर सकते हो,
और अगर किसी को टू व्हीलर लोन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो, हाउसिंग लोन भी आप ले सकते हो और फॉर्म इक्विपमेंट लोन भी आप यहाँ से ले सकते हो। और भी यहाँ पर एक और लोन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है कि वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इतनी सभी डिटेल्स आपको या इतने सारे लोन एक ही एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करेगी, वो है गाइस एलएनटी फाइनेंस। और गाइस ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आपको एप्लीकेशन बढ़िया लगती है तो आप लोन के लिए ट्राई कीजिए। वैसे भी गाइस पर्सनल लोन जो है गाइस आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तभी आपको लोन लेना है, अदरवाइज गाइस इस लोन के चक्कर में आप ना ही फंसे तो बढ़िया होगा। अभी सिंपली मैं आपको सिर्फ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इंस्टेंट पर्सनल लोन को अप्लाई करूँगा। यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई करना है, ये आपको वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ से अभी आपको बाकी की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि देखोगे यहाँ पर एलएनटी फाइनेंस हमारा खुल चुका है, यहाँ पर सिंपली आपको दो प्रोसेस करनी है गाइस। इसमें आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स आप मान सकते हो वो फिलअप करना है, दूसरे में आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपसे कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स ली जाएगी, या फिर फर्स्ट डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेकंड स्टेप में आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो चेक हो जाएगी। हम करके देखते हैं इसमें सिंपली मैं क्या करूँगा या सिंपली आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे ये जो आपको रेड अक्षर्स में गाइस स्टार बन रहा है, ये मैंडेटरी है, आपको ये फिलअप करना ही है। तो आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी को वेरीफाई करना है, फिर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आधार कार्ड के नंबर आपको प्रोवाइड करने हैं। मैं और नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, उसके जस्ट बाद आपको पैन कार्ड के नंबर एंटर करने हैं और वैलिडेट पैन पर क्लिक करना है, तो आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी है और जो आपका करंट एड्रेस पिन कोड है वो फिलअप करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर एंटर करना है, साथ में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताना है। इसमें आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट या मतलब नॉन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और मास्टर्स या CA जो भी आप हो वो आपको सिलेक्ट करना है। एनुअल इनकम आपको बतानी है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी हो जाती है। साथ में अगर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट अभी आपको बताना है कि कितना लोन आपको चाहिए। जो मिनिमम लोन है वो यहाँ पर 50,000 है, मैक्सिमम लोन यहाँ पर 7,00,000 प्रोवाइड कर रखा है, तो आप 7,00,000 तक का लोन यहाँ से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यह जो आपको वहाँ पर प्ले स्टोर पर दिखा रहा था वहाँ पर 25,000 से या कुछ इस तरह से कुछ लोन अमाउंट था, तो वो यहाँ पर शो नहीं कर रखा है। यहाँ पर मिनिमम जो लोन अमाउंट है वो 50,000 है, मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर 7,00,000 है। उसके जस्ट बाद में गाइस आपको जो पर्पस है वो सिलेक्ट करना है, लोन का पर्पस आपको बताना है। काफ़ी सारे पर्पस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो या जो भी आपको बढ़िया लगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, आप डिस्क्लेमर चेक कर सकते हो, साथ में उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपकी जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। मैं सारे डिटेल्स को आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। अभी देखोगे गाइस तो यहाँ पर हमें सिंपली बता तो दिया है कि आप जो है लोन के लिए एलिजिबल हैं और हमारी जो लोन का कार्ड है वो भी जनरेट हो चुका है, एप्लीकेशन आईडी भी हमें देखने को मिल गई है, लेकिन अभी भी हमें 3 स्टेप्स को और फॉलो करना है। जैसे कि देखोगे तो अभी नीचे रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा, यहाँ पर KYC करनी है और ई साइन करना है, तो सबसे पहले प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपनी कुछ और डिटेल्स को फिलअप करना है, लाइक इनकम डिटेल्स भी आपसे पूछ सकता है या कुछ बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। अभी देखोगे तो रिफ्रेश हो रहा है, अभी वो प्रोसेस आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो फास्टेस्ट लोन डिसबर्सल इन 5 मिनट्स पर आप आ जाओगे और जो लोन है वो आपको विथआउट इनकम प्रूफ के ही मिलेगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया गाइस। विथआउट इनकम प्रूफ सिंपल स्टेप्स है, पेपरलेस सॉल्यूशन है और इंस्टेंट डिसबर्सल हो जाएगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके लॉगिन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना है और फिर आपको नेक्स्ट डिटेल्स आ जाएगी। अभी जो है गाइस आपकी जो सेम डिटेल्स है वही आपसे कन्फर्मेशन पूछ रहा है, आपकी जो पूरी डिटेल्स है वो दोबारा से आ चुकी है। मैं सिंपली जो आपका लोन का पर्पस है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, पूरी डिटेल्स दोबारा से आ चुकी है। अभी देखोगे गाइस तो सेम डिटेल्स आपकी खुलकर आ जाएगी। अभी आपको अपनी एक एक डिटेल्स को चेक करना है, जो डिटेल्स आपकी खाली रह चुकी है उसे आपको दोबारा से भरना है और फिर नेक्स्ट करना है, तो पूरी डिटेल्स मैं दोबारा से फिलअप करता हूँ। इसके बाद में गाइस फिलहाल मेरी एप्लीकेशन तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस पर नहीं जा पा रही है, हो सकता है कुछ मेरी एप्लीकेशन में इशूज़ हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलएनटी फाइनेंस पर आप लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल पर्सनल डिटेल्स हमारी हो जाएगी तो जो ऑफ़र है वो हो जाएगा, मतलब लोन का ऑफ़र हमारे लिए निकल कर आ जाएगा। जस्ट उसके बाद में आपको ऑनलाइन KYC करनी होगी,
और फिर जो आपको बैंक डिटेल्स एंटर करनी है और ई साइन करना है, बस इतनी ही डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और लोन इजीली आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही कुछ प्रोसेस आपको करनी है गाइस। और जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको होम इंटरफेस पर आपका जो लोन है वो अप्लाइड लोन्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाइड लोन्स, यहाँ पर आपको जो है आपका लोन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कुछ भी नहीं है तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और लोन अप्रूव हो जाता है तो माई लोन्स में आप जाके इजीली उसे चेक कर पाओगे। और अगर रजिस्टर दूसरे मोबाइल नंबर से, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिटेल शो नहीं कर रही है इस लोन से रिलेटेड। कुछ इश्यूज आ जाता है तो आप सर्विस पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हो। फिलहाल अदर लोन्स आपको चाहिए और अदर्स लोन में आप अप्लाई की प्रोसेस जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ये गाइस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सेम ही प्रोसेस है, ज़्यादा आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर टू व्हीलर लोन अप्लाई करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस होगी, यहाँ से आप देख लीजिए। सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है और लोन ईजिली आपको मिल जाएगा। तो यही कुछ डिटेल्स है गाइस। अदरवाइज पूरी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ और कैसे आपको लोन लेना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।